सुपरनेचुरल पावर एलिमेंट्स से भरपूर टेलीटाउन के मोस्ट पॉपुलर शो नागिन सीजन 4 का इंतजार हर कोई कर रहा है और नागिन सीजन 4 को लेकर नई अपडेट आ गई है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, सीजन 4 को लेकर कहा जा रहा था कि इस बार बेला नहीं आएगी बल्कि निया शर्मा के साथ नई नागिन की कहानी शुरू होगी। अब दोस्तों, इसे लेकर जो खबर आई है वो कुछ इस तरह से है। लीप के बाद नई बेला की कहानी तो शुरू होगी, लेकिन नई बेला के तौर पर सुरभि ज्योति नहीं बल्कि एक्ट्रेस श्रियांतनी घोष नजर आएंगी। जी हाँ, श्रियांतनी घोष जो पहले से ही टीवी इंडस्ट्री का जाना पहचाना नाम है, 2007 से 2009 तक नागिन में नजर आ चुकी हैं। अब करीब 10 साल बाद एक बार फिर से वो नागिन बनकर टेलीटाउन की दुनिया में वापसी करेंगी। चर्चा है कि सीजन 4 में श्रियांतनी की एंट्री होगी। जैस्मिन भसीन और निया शर्मा के बाद वही यहां पर तीसरी नागिन बनेगी। शो से जुड़े एक करीबी सूत्र ने बताया कि श्रियांतनी को टीवी की दुनिया की सबसे पुरानी नागिन के रूप में जाना जाता है। चौथे सीजन में उनकी एंट्री शो के लिए काफी ज्यादा ही फायदेमंद होने वाली है। वो तीसरी नागिन का किरदार निभाएंगी जो कहानी का एक बड़ा हिस्सा होने वाला है। शो के लिए वो अभी अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल रही है, एक दो दिन में शूटिंग शुरू कर देंगी। बता दें आपको, नागिन जी टीवी पर आता था जहां श्रियांतनी घोष जो है अमृता नाम की इच्छाधारी नागिन के किरदार में थी, अपने माता पिता की मौत का इंतकाम लेने के लिए आई थी। अब देखना होगा काफी ज्यादा ही यहां पर दिलचस्प किस तरह से नागिन सीजन 4 में श्रियांतनी घोष के कैरेक्टर को एक बार फिर से जोड़ा जाता है, क्या कुछ असर इस एंट्री का नागिन सीजन 4 की रेटिंग्स पर पड़ेगा। नेक्स्ट 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।